अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं जंगल व्लॉग बनाने के लिए। कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं मेरे साथ आज, जिनने बोला आज जंगल जाएंगे घूमने के लिए। तो मैंने सोचा वहीं पे जाते जाते व्लॉग ही बना लूँ। तो ये रहे कुछ दोस्त मेरे छोटे से। हाय करो। हाय। हाय। तो अभी हम यहीं से निकले, तो हमें जाना है यहाँ तक, इस वाली लोकेशन पे हमें पहुंचना है। तो वहां पे आपको सीन दिखाया जाएगा वहां। तो फ्रेंड्स, अभी हम फाइनली इस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। तो अभी यहाँ से 5-6 मिनट लगेंगे वहाँ तक। तो फ्रेंड्स, अभी हम बर्फ़ वाली एरिया पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे अभी भी बर्फ़ बहुत मौजूद है, क्योंकि ये माउंटेन एरिया है। तो हम लोगों ने यहाँ से स्टार्टिंग की थी, इस वाली एरिया से। तो अभी हम फाइनली यहाँ पे पहुँचे हैं। तो अभी यहाँ से 2-3 मिनट और लगेंगे वहाँ तक। तो मैं आपको ब्लॉग में ये दिखा दूँगा हमें किस जगह पे जाना है। अभी हम अपने लोकेशन पे पहुँच चुके हैं। यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा देखने को मिला। जाता हूँ वहाँ से भी थोड़ा बहुत व्यू आप लोगों को दिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स, आप जो मेरे सामने देख सकते हो, ये ट्रेबल हट्स। तो इस टाइम तो ये खाली है, क्योंकि विंटर का सीज़न चल रहा है। इस टाइम लोग नीचे उतर गए, यहाँ नीचे गांव में उतर गए, क्योंकि इस टाइम यहाँ पे सर्दी बहुत होती है। तो समर वकेशन में ये लोग वापस चढ़ जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि इनके पास भेड़ बकरियाँ भी होती हैं। तो उसी की वजह से ये अभी नीचे उतर गए, क्योंकि यहाँ पर सर्दी भी बहुत होती है। अंदर से भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलो निकलते हैं। अभी हम इसके अंदर जाएंगे। तो ये बच्चे तो मेरे से आगे ही पहुँच गए। यहाँ की कुछ कलाकारी यहाँ पर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी हम इस वाली ट्रेबल हाउस में जाएंगे, वहाँ का अंदर का व्यू आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसके अंदर जाएंगे, वहाँ का अंदर का व्यू आप लोगों को दिखाएंगे। मैं आप लोगों को बैक कैमरे से व्यू दिखा दूंगा अंदर। तो ये रहा यहाँ का किचन। तो ये क्या है भाई? ये चूल्हा है, इस पे ये आग जला के ये खाना वाना तैयार करते हैं। तो यहाँ पे फिर रहते रहते हैं। तो यहाँ से अंदर एक रूम है, वहाँ पे ये एनिमल्स को रहते हैं। तो वहाँ पे आप आपको दिखता होगा ये जाल की तरफ से, आप इसका में देखो, यहाँ पे जो उनके मुर्गे वर्गे होते हैं वो यहीं पे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ये टाइगर वगैरह का खतरा होता है, इसलिए सब कुछ खुद ही अंदर रहते हैं और उनको भी अंदर रहते हैं। ज़्यादा था यहाँ पे एनिमल्स रखे जाते थे, जैसे कि काऊ बफेलो उनके पास होते थे, जैसे कि शीप या भेड़ बकरियाँ यहीं पर रहती थी। अच्छा, हाँ चलो ठीक। तो इस टाइम हम यहाँ पर बैठ गए, तो इन छोटों को भी बहुत भूख लगी है। तो अभी हम यहाँ पे खाना खाएंगे, तो फिर उसके बाद रील्स बनाएंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे। तो अभी हमारा खाना पीना हो गया कंप्लीट, अभी 2-3 रील बना के फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे।
तो अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं घर की ओर, तो लेट भी बहुत हो गया। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो इस व्लॉग को लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।